यही स्थिति होती है। मूर्तियों का ढेर हर साल समंदर किनारे होता है। मूर्तियों की इन होने वाली विटंबनाओं से दिन ब दिन पर्यावरण पे भी असर हो रहा है। क्या हम हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे? और इन मूर्तियों की होने वाली विटंबनाओं को रोक पाएंगे? हाँ, जरूर। ये काम हम सबके लिए कर रहा है इको श्री गणेशा आर्ट्स। यहाँ लाल मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसमें बीजों का उपयोग किया जाता है। और वैसे ही कागज का उपयोग करके उसे एक विशिष्ट सामग्री में मिलाकर सांचे में ढालकर गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जाती हैं। और इस प्रकार को पेपर मैश भी कहते हैं। यहीं पर उनकी आगे की प्रक्रिया की जाती है, जैसे कि बारीकियों से कारीगरी करना, उनमें रंग भरना ताकि वो और सुंदर और आकर्षक दिखे। कागज की ये मूर्तियां इतनी हल्की होती हैं कि बच्चे भी बड़ी आसानी से इन्हें उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इन मूर्तियों के विसर्जन की। लाल मिट्टी की मूर्ति को एक गमले में विसर्जित करके लगातार 3-4 दिन पानी डालने से वो पिघलकर उसमें से पौधा आता है। वैसे ही कागज की मूर्ति एक बर्तन में रख के उसके ऊपर पानी डालने से या पानी में डुबो के रखने से वो पिघल जाती है और उसका पौधों के खाद के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आइए और इस साल गणेश उत्सव फ्रेंडली और इको फ्रेंडली मनाइए।